एक ग्लुष्ट की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, क्या बातें कर रहा है, दोबारा रिवाइंड करके सुनता हूँ। आज मेरे मुंह से रमेश मामू नहीं निकला, बाबू निकल गया। मैंने काफी अभ्यास किया इस बात का। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समर। भाई साहब, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये भाई ग्लू स्टिक का पैकेट, और भाई इसमें 36 ग्लू स्टिक आती है, और भाई लगभग 350 या लगभग 360 रुपए का इसे पैकेट आता है। अगर एक ग्लू स्टिक को हम 10 रुपए के मान के चले तो हाँ डिस्काउंट हो सकता है इसकी, ये 300 रुपए का भी मिल जाए। लेकिन भाई साहब, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि भाई ये रियूज नहीं होती, निकल जाती है, यूज हो जाती है, उसके बाद रियूज नहीं होती, तो गाइस काफी पैसे हमारे खराब हो जाते हैं, खासकर भाई साहब हमारे। मैंने कहा ना गाइस खासकर। वाह 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 वाह। तो भाई साहब आज इस वीडियो में आपको ग्लू स्टिक बनाने सिखाएंगे, तो गाइस काफी पैसे भी बचाएंगे, बहुत मजा आएगा हमेशा की तरह इस वीडियो को देखने में। प्लीज दोस्तों कंप्लीट हो अच्छी जगह चले गाइस, फटाफट चलते हैं अपने टॉपिक पर। समर एक्सपेरिमेंट क्या है? अच्छा हाँ हाँ, इंट्रो देख लिया आपने? अच्छा अच्छा हाँ, इंट्रो के बाद वीडियो स्टार्ट होनी थी ना, मैंने ये तो कहा था हो गई स्टार्ट। तो भाई साहब मैं सामान लेकर आओ, देखो ये भाई साहब एक ग्लू स्टिक देख सकते हो, और भाई साहब खोलते हैं ये वर्नियर कैलिपर। गाइस हम इससे इसकी मोटाई देखेंगे या जानेंगे। ओ ओ जाने जाना, ओह लगभग 10.5 या 11 में मान के चलते हैं, मोटा मोटा कोई बात नहीं। तो गाइस अब इसकी लेंथ देख लेते हैं, जो कि अप्रोक्स 18.5 सेंटीमीटर लंबी हो जा। आर यू कॉमेडी मी? अच्छा हाँ गाइस, मैं आपसे कहने वाला था कि भाई लेंथ ज्यादा जरूरी नहीं है, मतलब लेंथ लंबी या छोटी आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ग्लू गन में उसके हिसाब से आ जाएगी। हाँ तो गाइस मैं लेकर आ गया हूँ, ये भाई साहब लोहे का पाइप, इसके डायमेंशन आपको दिखाता हूँ। देखिए भाई इसके डायमेंशन है अप्रोक्स 11 mm, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल बेहतरीन। अगर इसकी बाहर से देखें तो ये 1/2 इंच वाला है, देखो भाई लगभग 1/2 इंच का एक लोहे का पाइप है। अब गाइस इस पाइप को हम काट देंगे, जो पहले था 18.5, अगर नहीं तोड़ता तो नीचे गिर जाता। गाइस अगर देखा जाए ये ग्लू स्टिक, इसके अंदर बहुत ही मक्खन आएगी, देखा है बेहतरीन, देख रहे हो बिल्कुल बेहतरीन। अभी आप समझ रहे हो थोड़ा लूज आएगी, बेफिक्र रहो भाई ये बहुत अच्छी आएगी। अब गाइस बीच में से भी ये मार्क करना है बिल्कुल सीधा, मक्खी रानी बड़ी सियानी भाग्या से ना जावे, चल मत जा। अब भाई से पलट लो। तो भाई लोगो ये यहाँ से भी कटेगा और ससुरा ये यहाँ से भी कटेगा। गाइस बिल्कुल मिला हुआ है, और भाई मैं सब पलटता हूँ दूसरी साइड से भी, बिल्कुल गाइस मिलाना है, अगर हल्का सा भी खुलेगा तो गाइस दिक्कत हो जाएगी। अब गाइस की फिनिशिंग देखिए यार, काफी वक्त लगता है दोस्त। अब गाइस यहाँ पे ले रहा हूँ मैं दो पत्ती, जो कि है 10 mm यानी कि 1 cm चौड़ी, और लेंथ की तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भाई ये पत्ती इसमें ले रहा हूँ क्योंकि भाई से मुझे ऐसी रोकनी है, मतलब मैं एक क्लिप टाइप का बनाने वाला हूँ बिल्कुल ऐसी मिलाकर, जिस तरह मैंने बिल्कुल मिला सकूँ, इस तरह से मिल जाए। और गाइस क्लिप बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, तो देखते गाइस क्या करते हैं। तो गाइस ये वो वाला पाइप है जो हमने कट किया था, और भाई जो पत्ती है ये भी इसी पाइप के बनी हुई है, ठीक है, तो अलग अलग नहीं, और थोड़ा सा ऐसे करके थोड़ा सा मैं क्लिप टाइप को बनाना है। तो गाइस बन गया क्लिप, बहुत ईजी है ये गाइस। एक तरह का यह है कि भाई आप इन दोनों पाइप को ऐसे मिलाओ आपस में, और भाई कोई टेप लो, कोई भी टेप आप ले सकते हो, जिससे गाइस ये मिले रहे भागे ना। थोड़ा सा मैं इसे बीच में लगा लेता हूँ पहले। वाह क्या टेप लगाई है, ऐसी टेप तो किसी ने ना लगाई आज तक। देखो भाई अभी रुका रहेगा, ठीक है, एक भाई टेप हम यहाँ लगाते हैं बस। देखो भाई साहब ये पाइप बना हुआ है, और गाइस कहीं से भी देखिए ऐसा भी लग नहीं रहा कि जॉइंट हुआ है कहीं पर, और देखो गाइस बिल्कुल भाई साहब मिला हुआ है। गाइस एक काम करते हैं, ये जो जुगाड़ है ना इसे पोस्टपोन करते हैं फिलहाल के लिए, क्यों गाइस मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो भाई मेहनत ज्यादा लगेगी, इसे हटाते हैं। और भाई छोटे छोटे क्लिप लेते हैं, देखो ये क्या मस्त क्लिप है बॉस, इनसे भाई बहुत टाइम हमारा बच जाएगा, मेहनत बच जाएगी, और भाई कोई एक्स्ट्रा लग सके वेल्डिंग सेल्डिंग नहीं करनी पड़ेगी। देखो भाई आप जानते हो ये इस तरीके से गाइस यहाँ पर लग जाएगा बिल्कुल, भाई इन्हें मिलाकर चलेंगे, ठीक है। तो गाइस चलो ये तीन क्लिप भी इसमें लगा देंगे, तीन लगाओ चार लगाओ आपके ऊपर बात है, दो भी लगा सकते हो। अब गाइस दो तरफ से इसके मुंह खुला हुआ है, देखिए ये जो पाइप ये ओपन है, इधर से भी ओपन है, तो गाइस कहीं से भी एक जगह से हम इसे बंद कर सकते हैं। तो गाइस मैंने छोटा सा एक शीट का टुकड़ा लिया लोहे की, किसी भी एक पाइप पर यहाँ पे से रोकूंगा, तो गाइस मैं सोच रहा हूँ भाई इस पे वेल्डिंग करा दूं। भाई वैसे ये काफी लाइट पाइप है, मतलब बहुत हल्की शीट का पाइप है, और गाइस ये आप देख सकते हो ना ये जो शीट है इसकी, ये भाई इसी पाइप की बनाई है, तो भाई काफी लाइट है, इस पर गाइस वेल्डिंग नहीं हो सकता, मतलब जो मेरे पास वेल्डिंग मिग वेल्डिंग नहीं हो सकता इसके ऊपर, तो भाई इस पर सिर्फ गैस वेल्डिंग हो सकता है। तो गाइस एक छोटा सा टाका 2-4-5 रुपए लेगा भैया, एक हल्का सा टाका इसमें लगा के लाते हैं।
तो गाइस इस पर हुआ भी एक गैस वेल्डिंग। मैंने कहा कितने रुपए देने, तो भाई साहब कितने दे दो गाइस, मैंने 10 रुपए दे दिए, वो खुश हो गए। वैसे गाइस मजा कर रहा हूँ, काम हो जाए 10 रुपए 20 रुपए उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेन चाहिए गाइस काम का होना। इसकी जो मैंने टेप इसमें लगाई थी जिससे गाइस कोई दिक्कत ना हो, हीट होके दोनों पार्ट मिले रहे। इतने बड़े चिपकरा कम भगत, ये देखे मैंने सिर्फ एक पाइप पे वेल्ड करा है, इसका फायदा आपको बताऊंगा। देखो भाई साहब अलग हो गया और देखे ऐसे मिल जाएगा। अब गाइस इसका एक तरफ से मुंह बंद हो चुका है, तो गाइस एक तरह की नली टाइप की बन गई है। अब भाई साहब करते क्या है, ये लेते हैं भाई कुछ क्लिप और भाई इस क्लिप को ऐसे यहाँ लगा देते हैं, एक जगह से कर दो टाइट। गाइस इन क्लिप की खासियत है कि भाई ये बिल्कुल से सेंटर बांधेंगे, ठीक है, तो कोई ऐसे भगने वगने वाली बात नहीं रहेगी। तो एक क्लिप लगाते हैं थोड़ा सा बीच में, पहले मैं थोड़ा सा टाइट कर लेता हूँ। और भाई दूसरा क्लिप भी अच्छे से बांध देते हैं, ये हो गया दूसरा क्लिप भी तैयार। और वैसे गाइस दो ही बहुत नहीं, फिर भी अगर आपको लगाना हो तो भाई आप 3 क्लिप लगा सकते हो। लीजिए भाई देखिए यहाँ पर जॉइंट है, लेकिन गाइस आपको दिखाई नहीं देगा। एक तरह गाइस बिल्कुल नली टाइप बन चुकी है। चले भाई अब फटाफट टेस्टिंग करते हैं भाई साहब इसके अंदर में क्या डालना है। मेन पॉइंट तो गाइस अब आता है, वैसे भाई इसे बनाना काफी मुश्किल था, मेन पॉइंट था। तो भाई अब फटाफट लाते हैं गाइस मटेरियल जो इसके अंदर हम डाल सकते हैं, जिससे हम ग्लू स्टिक बना सकते हैं। वैसे भाई अगर आप चाहो तो ये जो मैंने चौकोर पत्ते लगाई है थोड़ी सी रेक्टेंगल टाइप में, यहाँ पर आप मार्क लगाकर इसे बिल्कुल गोल कट कर सकते हो पाइप के बराबर, लेकिन नहीं यार कोई जरूरत नहीं है। जैसे भाई इस पत्ते वैसे ही देखो ऐसे खड़ा हो गया। तो चले गाइस अब फटाफट की टेस्टिंग करते हैं और भाई देखते हैं कौन कौन सा मटेरियल इसके अंदर हम यूज करेंगे, ये यूज कर सकते हैं। देखा आप क्या क्या यूज कर सकते हो, जो पॉलिथीन होती है वो इसके अंदर डाल के मेल कर गाइस उसकी ग्लू स्टिक बना सकते हो, वो खैर ज्यादा हार्ड हो जाएगी और मेल्ट होने में काफी दिक्कत करेगी। दूसरी चीज ये गाइस ग्लू स्टिक जो की मेल्ट है, देखो ये हम फेंक देते हैं, देख रहे हो ये भाई मैंने छुटाई है, ठीक है। या गाइस देखिए ये मैंने प्रोजेक्ट में यूज की थी, देखिए ये मैंने कभी आपस में चिपकाई थी, तो गाइस ये भाई ग्लू गन के अंदर जाती ही नहीं है, देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पर हम इनका यूज कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो भाई फटाफट करते हैं, लेकिन गाइस बहुत सारी सावधानी बरतनी पड़ेंगी आपको। तो भाई ये इसके अंदर चिपके ना, सिंपल जब हम इसे मेल्ट करेंगे तो गाइस जो ग्लू स्टिक होती है वो अच्छे से चिपक जाएगी, छूटेगी नहीं भाई ये। तो भाई इसके लिए मैं काफी चीज यूज कर सकते हैं, तो कोई ऑयल यूज कर सकते हैं, मोबिल ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया यूज कर सकते हैं, पाउडर भी इसमें यूज कर सकते हैं, जिससे गाइस पाउडर की ऑयल के बीच में लेयर बन जाए, वो आसने से गाइस छूट सके ठंडा होने के बाद। भाई सबसे पहले हम लेंगे कोई भी कागज, आप कोई कॉपी का पेज ले सकते हो, ये मैं अखबार ले रहा हूँ। अब लेंगे भाई कोई भी पाउडर, जो भी पाउडर गाइस आपके घर में अवेलेबल हो, मेरे घर में तो भाई ये भी अवेलेबल नहीं है, खत्म हो गया, खैर बट ये काम कर जाना चाहिए। वैसे गाइस हमें इसे भरना नहीं है, बस हम इसके अंदर डाल के निकाल लेना है। चलो भाई इतना आई थिंक इनफ है। तो भाई इसका कुछ ऐसे भाई इसके अंदर डाल दो, ठीक। और भाई साहब उठाकर ऐसे थोड़ा सा जिससे अच्छे से अंदर पाइप के लग जाए, अच्छे से घुमाओ बढ़ा करके, देखो भाई अंदर लग गया है। और भाई साहब जितना निकले उतना वापस निकाल लो। तो गाइस इसका स्लॉट तो कंप्लीट हो चुका है, तो भाई अब बनाते हैं इसका मटेरियल। भाई हमें इन सब के छोटे छोटे पीस करने हैं जिससे गाइस ये अंदर इसके आ जाए। मैंने ज्यादा बड़ा कट यूज कर लिया, हाँ ठीक है, ज्यादा छोटे मत करना, बस इसके अंदर आ जाए। तो गाइस काफी सारा वेस्ट मटेरियल ने कट कर लिया है, और भाई कुछ मटेरियल वो वाला भी है जो आप ग्लूगन को रख देते हो तो हीट होकर वो निकलती रहती है, तो वो भी आप इसमें डाल सकते हो। तो चले गाइस फटाफट के अंदर डालते हैं, डालना में कोई बड़ी बात करो टांटा है नहीं, ऐसे डालते रहो इसके अंदर जाती रहेगी। तो लीजिए गाइस लगभग ऊपर तक भर चुकी है, के अंदर और भी आ सकती है, लेकिन भाई वो मेल्ट होने के बाद आएगी। तो गाइस ये हो चुकी है, बिल्कुल भर चुकी है, मैं आपको पास से दिखाता हूँ। तो भाई थोड़ी सी मोड़ डाल दो इस तरीके से, देखो भाई मेल्ट होती जा रही है आराम से, सब नीचे चली जाएगी। ओह मेरा हाथ भी चिपक गई, वाह देखो भाई ये ऑटोमेटिक नीचे जा रही है, वैसे हीट हो रहा है ना पाइप, देखे नीचे जाएगी, ये भी नीचे चली गई। बस एक बार गाइस ये हीट हो जाए उसके बाद तो ऑटोमेटिक भाई नीचे जाएगा। ऊपर तक ये आ चुकी है, अगर मैं एक आध पीस मोड़ डालता हूँ तो गाइस ये यहीं मेल्ट हो जाएगा, देखो ये थोड़ी देर बाद इसी में मिल जाएगा, मिलता जा रहा है। तो गाइस अभी से कूल होने देते हैं और भाई देखते हैं कि कैसे ग्लू स्टिक हमारी निकलेगी। तो गाइस मिलते हैं ठंडा होने के बाद। 20 मिनट्स लेटर और लगभग गाइस 15-20 मिनट से लगे क्योंकि यहाँ पर एसी चल रहा है और मैंने पंखा भी चला दिया था। वैसे आप जल्दी ठंडा करने के लिए इसे पानी में भी डाल सकते हो, 5 मिनट बाद एकदम पानी में डालना, 2-4-5 मिनट बाद पानी में डाल देना, फिर तो भाई सेकंड में ठंडा जाएगा। चले भाई फटाफट से खोल के देखते हैं क्या हाल हुआ इसका, कैसे कैसे निकलेगी ये। ये बात तो भाई पक्का है कि ये आसानी से नहीं निकलेगी, पर निकल जाएगी ये बात पक्का है। तो सल्स के छुटाएंगे,
ये भी एक नवा एक्सपीरियंस है सोनिया। ठीक है भाई साहब, देखिए बिल्कुल मिला हुआ है, हमने पाइप की फिटिंग अच्छी की है इसलिए गाइस ये ज्यादा नहीं निकला, हल्का फुल्का सा, कोई दिक्कत नहीं है। अब गाइस इसे खोलने के बहुत सारे तरीके हैं, या तो भाई इसे पानी में डाल दो एक आध घंटे के लिए, पानी से गाइस छूट जाती है, ग्लूस्टिक रुकती नहीं है पानी में। दूसरी बात, आप इसे थोड़ा थोड़ा हीट कर सकते हो, हल्का सा हीट करके भी इसे छुटा सकते हो, या जबरदस्ती भाई करोगे तो ये पाइप थोड़ा सा बैंड हो जाएगा। अगर भाई थोड़ा जबरदस्ती करके देखें, ये रहा देखो छोटा यहाँ से, ये बस ऐसे खुल जाएगा धीरे धीरे, लगता तो है गाइस कि ग्लू स्टिक हमारी बन गई है। तो भाई मैं इसे फटाफट ऐसे ही निकाल लेता हूँ। तो भाई साहब ये वैसे काफ़ी आसानी से छुट जाएगी अगर अच्छे से हमने इसमें पोर्ट लगाया है, तो वह छुट जा। वाह वाह, देखो भाई साहब वाह क्या बात है, वो ये पोर्टर लग रहा है ना, इसे हम साफ कर सकते हैं। अगर भाई पोर्टर ना लगाते हैं तो भाई साहब ये छुटता नहीं इसमें से ना, इधर पोर्टर की एक लेयर आ गई बीच में, और वाह यहाँ से क्या बनी है मस्त। ये गाइस छोटी है तो हमारे चिपक गई है, खैर जो बात हमने लगता है गाइस थोड़ी जल्दी निकाल ली, इसे हल्की सी ये वॉर्म हो रही थी, तो भाई प्लीज पहले पूरा अच्छी तरह से ठंडा होने दें उसके बाद इसे निकाल लें। तो गाइस आप इन स्लॉट का दोबारा तिवारा चौवारा पछवारा पिछवाड़ा जो भी यूज कर सकते हो, मतलब बार बार आप इसका यूज कर सकते हो। तो गाइस ये बनी हमारी होम मेड ग्लू स्टिक, मतलब हाउ टू मेक फ्रॉम वेस्ट मटेरियल। तो भाई फटाफट की टेस्टिंग करते हैं। थोड़ी जगह से गंदी मैली हो रही है, क्यों गाइस आप जानते हो हमने पुरानी स्टिक का यूज किया था जो कि वेस्ट मटेरियल था। तो गाइस ये रही हमारी ग्लू गन और ये हमारी होममेड ग्लू स्टिक, तो साइज और शेप देखेंगे। वाह साइज एंड शेप तो गाइस काफी बल्कि बिल्कुल फिक्स ही आ रहा है, थोड़े साइज कर लेते हैं जिससे वही चलना शुरू हो जाए। हाँ ये रहा भाई सही है। तो भाई पहले से थोड़ा गर्म होने देते हैं उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस देखते हैं इससे, ये रहा, तो भाई इससे आराम से ऐसे चिपका सकते हैं। बढ़िया, हाथ तोड़ के देखते हैं थोड़ा सा फिर से। बेहतरीन। तो गाइस आपने देखा काम तो भाई ये ठीक कर रही है, मस्त काम कर रही है बिल्कुल, देखिए अच्छे से भी निकल पा रही है। गाइस आपको एक बात क्लियर कर दूं, भाई एक एक्सपेरिमेंट है, प्लीज दोस्तों एक्सपेरिमेंट के तौर पर ले। काफी लोग कहेंगे समर भाई इतना टाइम लगा, इतनी मेहनत लगी, इससे अच्छा भाई 10-15-20 रुपए की जाकर मार्केट से लेकर आएंगे। अरे हाँ भाई मैंने कब कहा कि मत लगाओ, भाई ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है, 100% सक्सेसफुल है, मैं जी कही थी 100% सक्सेसफुल करके दिखाया है, आप ऐसे बना सकते हो, ये वेस्ट मटेरियल का यूज है। सिंपल से बात गाइस आपको दिखाना था कैसे कैसे काम होता है, हो सकता है नहीं हो सकता है, सारी चीज आपने गाइस इस वीडियो में देख ली है। अगर आपको वेस्ट मटेरियल से बनानी तो गाइस बना सकते हो, नुकसान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस वीडियो का ही एंड करते हैं। आई फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी, ये एक्सपेरिमेंट गाइस आपको अच्छा लगा, कुछ नया था गाइस तो मैंने सोचा गाइस ट्राई करके देखते हैं। तो प्लीज दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और शेयर, थैंक यू सो मच दोस्तों, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।